Part two, financial swap. Financial swap. ठीक है, ओके नाउ लिसन प्रॉपरली. एक बार फाइनेंशियल स्वैप टॉपिक से मेरे को मतलब नहीं, मैं जनरली कुछ और बोल रहा हूं जो कि मेरे को स्वैप में जाने में हेल्प करेगा. एक्स लिमिटेड इज अ फर्म जिसको लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स दैट इज लिबर इज गोइंग टू राइज एवरी सिक्स मंथ फॉर फाइव ईयर्स. फिर से, एक्स लिमिटेड इज अ फर्म विच बिलीव्स, विच हैज एन ओपिनियन, विच इज स्पेक्यूलेटिंग, विच इज वॉन्टिंग टू बेट दैट इंटरेस्ट रेट एवरी सिक्स मंथ, माने सिक्स मंथ लिबर एवरी सिक्स मंथ इज गोइंग टू राइज फॉर द नेक्स्ट फाइव ईयर्स. हर छह छह महीने में लिबर बढ़ने वाला है, बढ़ने वाला है, बढ़ने वाला है, बढ़ने वाला है. तो इन दैट केस एक्स लिमिटेड क्या किया कि अगर उसको फंड्स बोरो करना था, क्या करना था, बोरो से पांच साल के लिए पैसा उठाना था और लेबर बढ़ने वाला है, तो प्लीज एडवाइस करो एक्स लिमिटेड शुड बोरो एट अ फ्लोटिंग रेट और एट अ फिक्स्ड रेट. फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, तो एक्स लिमिटेड शुड बोरो एट अ फिक्स्ड रेट और फ्लोटिंग रेट. फिक्स्ड रेट, तो एक्स लिमिटेड ने बोरो कर लिया एट अ फिक्स्ड रेट, सपोज 8%. कितने साल के लिए? पांच साल, छह छह महीने में ब्याज जाएगा. सपोज बोरो किया 1 लाख, जैसे कूपन नहीं होता, 1 लाख का 8% का आधा मतलब 4,000, तो 4,000, लास्ट में 1,04,000. ठीक है, एक्स लिमिटेड इस पैसे को क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया. क्या कर दिया? इन्वेस्ट एट अ फ्लोटिंग रेट, एट अ फ्लोटिंग रेट. एंड सपोज द फ्लोटिंग रेट इज लिबर, द फ्लोटिंग रेट इज सिक्स मंथ लिबर. सिक्स मंथ लिबर यानी हर छह छह महीने में लिबर आएगा, हर छह छह महीने में लिबर आएगा. आप लोगों को पता है ना, सिक्स मंथ लिबर पर एनम होता है. ठीक है, बार बार इट इज नॉट पॉसिबल टू से इट इज पर एनम, फिर उसको आधा करते हैं, तो सिक्स मंथ लेबर हर महीने में आएगा. तो एक्स लिमिटेड का ऐसा ओपिनियन था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, इसलिए उसने ऐसा किया है. ओके, आप प्लीज खुद से देखो क्या ये सही किया है, माने इट इज रॉन्ग डिसीजन, एक्स लिमिटेड गलत किया है, या उसका जो ओपिनियन था उसको देखते हुए सही किया है. सही किया है, अब छह छह महीने में लेबर बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा. तो इन दैट केस सपोज लेबर भी चला 7.5, माने खराब चल रहा है, तो फर्स्ट छह महीने में तो नुकसान, क्योंकि 7.5 आना है और 8, और मैंने एरो दिखा दिया यहाँ, बोरो किया तो इंटरेस्ट तो यहाँ जाएगा ना, ये जो इंटरेस्ट का एरो है ये गलती दिखाया था, बोरो किया तो इंटरेस्ट तो 8% जाएगा, बोरो किया था. ठीक है, तो फर्स्ट छह महीने का जो लेबर है ना, फर्स्ट जैन को, वो 7.5 है, तो 7.5 आएगा, 8 जाएगा, कितना का नुकसान? 0.5. बट नेक्स्ट सिक्स मंथ में सपोज 8% हो गया, 8 आया 8 गया 0, नेक्स्ट सिक्स मंथ में 9 हो गया, 9 आया 8 गया 1, नेक्स्ट 10 हो गया, 10 आया 8 गया 2, ऐसे करके फायदा ही फायदा होता गया. तो एक्स लिमिटेड कैन डू दिस. कोई दूसरा कंपनी है उसका उल्टा ओपिनियन हो सकता है क्या? कोई दूसरा कंपनी वाई लिमिटेड, उसको लगता है कि इंटरेस्ट रेट गिरने वाला है, क्या होने वाला है? गिरने वाला है. तो वाई लिमिटेड को क्या करना चाहिए, क्या चीज पे बोरो? फ्लोटिंग पे बोरो और फिक्स पे इन्वेस्ट. वाई लिमिटेड उल्टा कर सकता है, फ्लोटिंग पे बोरो तो लेबर 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 जाएगा और फिक्स 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 आएगा. ये सब करने के बजाय सिंपली ये लोग ये कर सकता था ना कि एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड कुछ बोरो नहीं करता, सीधा एक दूसरे से बात करता, लुक एट दिस, एक्स और वाई लिमिटेड एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट कर लिया क्या यार, हर छह महीने का चल बेट लगाते हैं पांच साल के लिए, अपने दोनों हर छह छह महीना का बेट लगा लिया पांच साल के लिए. टोटल कितने बार बेट लग गया? 10 बार. 10 बार का बेटिंग, एक बार में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया. बेटिंग क्या है? एक्स बोल रहा है जब भी लिबर 8 के ऊपर जाएगा ना, से फर्स्ट जैन फर्स्ट जुलाई चेक करेंगे हर साल में, फर्स्ट जैन फर्स्ट जुलाई चेक करेंगे. तो अगर लिबर 8 के ऊपर हुआ तो बेट कौन जीता? एक्स बोर्ड पे दिख रहा है, कुछ फोर्स का बात ही नहीं है, एक्स जीता. तो उस छह महीने में एक्स को डिफरेंस मिलेगा, और अगर लेबर 8% के नीचे हुआ तो बेट कौन जीता? वाई. तो वाई को डिफरेंस मिलेगा. ठीक है, तुम एक बार केवल एक्स पे फोकस करो, केवल एक्स पे फोकस करो, लेबर माइनस 8 ये हिसाब है. और इस डायग्राम में क्या हिसाब था? लेबर माइनस 8 सिंपल हिसाब था. यहां जो एक्स किया है और यहां जो एक्स किया है, दोनों में नतीजा क्या है? सेम. बट यहां पे मैं बोल रहा था वो एक्चुअली बोरो किया से 500 मिलियन, और एक्चुअली 500 मिलियन क्या किया? इन्वेस्ट. अगर आप एक्चुअली बोरो और इन्वेस्ट करते हो तो द बैलेंस शीट बिकम्स हैवी, बिकॉज यू बोरो तो लायबिलिटी साइड में द लोन अमाउंट कम्स, यू इन्वेस्ट एसेट साइड में द एसेट अमाउंट कम्स, तो लायबिलिटी गोज अप, एसेट गोज अप, द बैलेंस शीट साइज गोज अप. तो इफ यू कैलकुलेट रेशियोज लाइक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, रिटर्न ऑन टोटल एसेट, ईबीआईटी बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ये जो टोटल एसेट वगैरह बढ़ा दिया, तो प्रॉफिटेबिलिटी मेजर फॉर द एंटायर वर्ल्ड विल बी हाई और लो. लो, आपने बेस बढ़ा दिया बैलेंस शीट का, अब उससे निकालोगे अगर प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट, तो टोटल एसेट भारी हो गया, तो दुनिया को ये कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल दिखने वाला है या कम? कम. ठीक है, तो साथ ही साथ अगर ये कंपनी ऐसा करता है तो इन दैट केस हमने को बताया पैसा उठाने में और पैसा लगाने में ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज इन्वॉल्व. पैसा उठाएंगे इतना प्रोसेसिंग कॉस्ट, फीस, मर्चेंट बैंकर, ये सब इन्वॉल्व है. ठीक है, तो अपने फालतू में बैलेंस शीट में प्रॉफिटेबिलिटी को हर्ट करवा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और अपने फालतू में ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर करवा रहे हैं. ठीक है, तो ये चीज इजिली अकम्प्लिश हो सकता है वाया द स्वैप. ठीक है, तो फाइनेंशियल स्वैप यही होता है. फाइनेंशियल स्वैप को समझने का 2-3 स्टाइल है. पहला स्टाइल ये है कि स्वैप वर्ड का मतलब वो एक्सचेंज है. इंग्लिश लैंग्वेज स्वैप, लेट्स स्वैप समथिंग. स्वैप मीन्स वॉट? एक्सचेंज. फाइनेंशियल स्वैप वर्ड क्या है? फाइनेंशियल
तो फाइनेंशियल स्वैप मीन्स एक्सचेंज ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज, एक्सचेंज ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज. हम तेरे को एक सर्टन कैश फ्लो देंगे, तुम मेरे को उसके बदले एक दूसरा कैश फ्लो देना. हम तेरे को एक सर्टन कैश फ्लो देंगे, तुम मेरे को उसके बदले दूसरा कैश फ्लो देना. तो अपने क्या एक्सचेंज कर रहा है? कैश फ्लोज. एक बार की बार 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 बार, ठीक है. तो एफआरए जो कर रहे थे, एफआरए फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट, एफआरए उसमें भी तो ऐसा ही हो रहा था. मैंने एफआरए बाई किया 6x12 एफआरए बाई किया, 6x12 एफआरए बाई किया सपोज 8% पे. एक्स लिमिटेड ने 6x12 एफआरए बाई किया 8% पे, यानी उसने बेट लगाया कि 6 महीने बाद जो 6 मंथ लेबर वाट के ऊपर होगा. यहां भी तो वही हो रहा है, बट एफआरए में एक बार बेटिंग की बार बार बेटिंग. एफआरए में कितने बार बेटिंग? एक बार. और फाइनेंशियल स्वैप में बार बार. तो फाइनेंशियल स्वैप इज अ पोर्टफोलियो ऑफ एफआरएस. फाइनेंशियल स्वैप इज अ पोर्टफोलियो ऑफ फॉरवर्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट्स. एक ही फाइनेंशियल स्वैप में 10 तो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट हो गए. एक 6x12, एक 12x18, एक 18x24, एक 24x30, एक 30x36, ठीक है. तो एक ही फाइनेंशियल स्वैप से 10 बार बेटिंग हो गया 60 महीने तक का. दैट्स अ फाइनेंशियल स्वैप, ठीक है. दिस इज बेटिंग ऑन व्हाट? बेटिंग ऑन व्हाट? ऑन लिबर. ऑन लिबर. ओके. इंस्टेड वी कैन डिजाइन अ फाइनेंशियल स्वैप फॉर द बेटिंग, फॉर द पर्पस ऑफ बेटिंग ऑन एक्सचेंज रेट, रूपी डॉलर पे बेटिंग. तो एक मिनट, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉरेक्स के समय, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉरेक्स एकदम बच्चा वाला सब नंबर वन, कि हम फॉरवर्ड बाई किया डॉलर को, हम डॉलर को फॉरवर्ड बाई किया 62.5 पे, 6 मंथ फॉरवर्ड. आज 62.5 पे फॉरवर्ड क्या किया भाई? तुम लोगों को सबको पता है कि आज 6 मंथ फॉरवर्ड बाई करना मतलब आज कुछ नहीं किया है. इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाई आफ्टर 6 मंथ, ठीक है. और अगर मैं स्पेकुलेशन कर रहा हूं, मेरा कोई पेबल नहीं है, मेरा मन हम बाई करेंगे, तो इन दैट केस मैं विश कर रहा हूं कि 6 महीने बाद स्पॉट रेट बढ़े या गिरे, बढ़े 62.5 के ऊपर जाए, ठीक है. ऊपर गया तो डिफरेंस आएगा, वरना डिफरेंस आएगा. पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये मैं अगर एक साथ 5 साल के लिए 10-10 बार करना चाह रहा हूं एक साथ, तो आई विल डू व्हाट? अ स्वैप. तो स्वैप और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एकदम सेम चीज होता है, बट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक बार के लिए होता है और फाइनेंशियल स्वैप बार बार के लिए. जिस तरह फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इंटरेस्ट रेट पे हो सकता है, करेंसी पे हो सकता है, कमोडिटी पे हो सकता है, इक्विटी पे हो सकता है, वैसे ही फाइनेंशियल स्वैप भी इंटरेस्ट रेट का हो सकता है, करेंसी का, कमोडिटी का, स्टॉक का वगैरह सबका. फाइनेंशियल स्वैप इज अ पोर्टफोलियो ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स. इट इज अ पोर्टफोलियो ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है. तो प्लीज राइट डाउन. तो फाइनेंशियल स्वैप के अंदर एकदम इंट्रोडक्शन, फाइनेंशियल स्वैप पॉइंट नंबर वन इंट्रोडक्शन, पॉइंट नंबर वन था. ओके, इंट्रोडक्शन था पॉइंट नंबर वन. हाँ, पॉइंट नंबर वन इंट्रोडक्शन. इमेजिन अ फर्म एक्स लिमिटेड, इमेजिन अ फर्म एक्स लिमिटेड, इमेजिन अ फर्म एक्स लिमिटेड विच इज एक्सपेक्टिंग इंटरेस्ट रेट्स टू राइज, which is expecting interest rates to rise every 6 months, interest rates to rise every 6 months for the next 5 years, interest rate to rise every 6 months for the next 5 years, for the next 5 years, full stop. To speculate on the same, comma, it may, dash, parachange, first bullet, borrow dollars 500 million at a fixed rate of 8% per annum, at a fixed rate of 8% per annum on a bullet basis for 5 years. Are language clear? Bullet is okay with you all? Ki jo principal hai 500 kab chukana hai last mein, har baar kya chukana hai vyaj, theek hai, for 5 years. And parachange, second bullet, invest dollars 500 million at a floating rate of 6 month LIBOR for 5 years. ठीक है, draw करके दिखा दो उसका position क्या है. X limited का draw करके situation दिखा दो. X लिमिटेड का क्या ब्याज आ रहा है और क्या ब्याज जा रहा है. वो जो 500 आया गया उसका मैंने डायग्राम नहीं बनाया, मैं डायग्राम बनाया उसके इंटरेस्ट का. 500 का डायग्राम बनाता दिखाता, 500 आया 500 गया, आई नॉट शोन दैट, आई हैव शोन उस पर इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है. तो जो इन्वेस्ट किए थे उसका इंटरेस्ट आएगा लेबर, और जो बोरो किए थे उसका 8% इंटरेस्ट जाएगा. तो ग्राफ के बाद, सो X लिमिटेड नेट स्प्रेड इज, नेट स्प्रेड बोला मैंने, स्प्रेड SPREAD स्प्रेड इज L-8 द होल परसेंटेज ऑफ
L minus 8, the whole percentage of 500 million into 6 by 12. L minus 8, the whole percentage of 500 million into 6 by 12 dash every 6 month. L minus 8, the whole percentage of 500 million into 6 by 12 every 6 month. Is it okay with you all? L minus 8 ka hisab hai, 500 pe aur into 6 by 12 kiya. Because ab to rate par annum hai. Kya ye negative ho sakta hai jo tumne copy mein likha hai? Yes, liver niche chal gaya to. Theek hai, negative to hi sakta hai, risky cheez hai. Agla speculate kar raha hai. Parachange. Actually borrowing and investing involves transaction costs. Actually borrowing and investing involves transaction costs. Full stop. Also, it makes the balance sheet heavy. It makes the balance sheet heavy. And worsens the profitability ratios. Full stop. Parachange. The same purpose could have been easily accomplished if X Limited would simply walk into a bank. And enter into a 5-year interest rate swap. And enter into a five-year interest rate swap. तो एक हो गया X Limited और दूसरा हो गया Swap Bank. X Limited, Swap Bank. तो X Limited बैंक के पास गया, बोला हमको तुम्हारे साथ swap enter करना है. तो swap enter हो गया, जिसमें 6 month LIBOR आएगा, 8% जाएगा. ठीक है, तो X का स्टेटस तुम देखेगा एग्जैक्टली सेम है. तुमको एक बार अभी बैंक का चिंता नहीं करने से, बैंक क्यों किया? बिकॉज बैंक का तो मैं दूसरा साइड दिखा रहा नहीं हूं कि वो तो डीलर है, बिडास रेट कोट कर रहा था. एक जन के साथ वो ये किया ना बैंक, दूसरे जन के साथ वो उल्टा स्वैप कर लिया होगा. बैंक वाला तो क्या होगा, यहां 8 आ रहा है ना, दूसरे कोटेशन में 7.8 दे रहा होगा, तो 0.2% बचा लिया होगा बिडास स्प्रेड. और मेरा फोकस अभी वो नहीं चल रहा है कि मैं बैंक का बिडास समझाऊं. माय फोकस वाज ट्राइंग टू टीच यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ योर व्हाट एक्स. ठीक है ना, आई कैन नॉट अचीव मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम. तो अभी अपने बैंक का बात ही नहीं करे सर, वो क्यों किया? उसका बिजनेस है डीलिंग बिजनेस. एक्स लिमिटेड ये करने के बजाय ये करा, ये उसके लिए ज्यादा बेटर पड़ेगा. तो ये हम लोगों ने फाइनेंशियल स्वैप का पहले तो रिस्पेक्ट दिया है कि लुक, थिंग्स which in real life could be accomplished in such complicated fashions can be so easily accomplished via swap. That was the purpose of introducing it this way. ठीक है, तो इसके अंदर सुना, financial swap जो है over the counter instrument, over the counter OTC, और जो भी over the counter product होता है ना, over the counter, उसमें customization होता है. यानी हम जैसा बोलेंगे वैसा swap enter होगा. आपको 5 साल का swap चाहिए कि 7 साल का, जितना का बोलेंगे उतना का swap होगा. आपको 6-6 महीना में करना है कि 3-3 महीना में, बोलिए वैसे होगा. आपको लिबर पे करना है कि टिबर पे करना है, टिबर पे होगा. तुम जिस पे बोलेगा उस पे स्वैप होगा. ठीक है, करेंसी पे करना है क्या, इक्विटी पे करना है क्या, बॉन्ड पे करना है क्या, कमोडिटी पे करना है क्या? तो आई मीन टू से फाइनेंशियल स्वैप इज अ वेरी वेरी एक्सोटिक प्रोडक्ट बिकॉज इट कम्स इन वेरियस वराइटीज. इन्यूमरेबल तरीके का फाइनेंशियल स्वैप होता है. और जब कोई चीज बहुत तरीके का होता है तो उस पे सबसे सिंपल वराइटी इज कॉल्ड प्लेन वनीला. इज कॉल्ड प्लेन वनीला. जैसे बॉन्ड्स, दे कम इन डिफरेंट फ्लेवर्स एंड देयरफॉर द सिंपलेस्ट ऑफ बॉन्ड इज अ प्लेन वनीला बॉन्ड. ये जो बोर्ड पे दिखाया गया है, this is called a plain vanilla or a generic swap. What swap? Plain vanilla or a generic swap. These are technical terms which you will confront in the question. ठीक है? Plain vanilla or generic swap. What is the feature of this swap? सुना? इस swap में, ये जो swap board पे दिख रहा है, ध्यान देना. Some people have lost their body language. वो लोग बड़े exciting वैसे सुन रहे हैं. ध्यान दो, अब तो सुनने का main काम आया है. Plain vanilla swap में इसमें किसने किसको 500 million दिए? किसी ने किसी को 500 मिलियन नहीं दिए. 500 मिलियन इज नोशनल. 500 मिलियन इज नोशनल. जैसे एफआरए में था ना,
500 मिलियन नोशनल, क्या नोशनल, एज इफ, ध्यान देना, एज इफ एक्स लिमिटेड बैंक से 500 मिलियन बोरो किया है 8% ब्याज पे, लग रहा तो ऐसा ही है, कोई ब्याज दूसरे को क्यों देते हैं, हम तुमको 8% क्यों देते हैं, क्योंकि तुमसे शायद बोरो किया होगा, तो शायद एक्स लिमिटेड स्वैप बैंक से 500 मिलियन बोरो किया है, कौन से रेट पे, 8, और शायद स्वैप बैंक एक्स लिमिटेड से 500 मिलियन बोरो किया है, कौन से रेट पे, लिबर, ग्राफ तो ये दिखा रहे, ग्राफ में जो इंटरेस्ट दिख रहा है उससे तो यही समझ में आता है कि एक्स उसको 8% दे रहे बिकॉज एक्स शायद 500 बोरो किया है और बैंक उसको लिबर दे रहा है क्योंकि बैंक उससे 500 बोरो किया, एक्चुअली कोई बोरो किया है क्या, नहीं, तो द प्रिंसिपल अमाउंट इन द स्वैप इज एक्चुअल और नोशनल, नोशनल, दूसरा ध्यान देना, चालू हुआ स्वैप 1 जैन से, 1 जैन 2010 स्वैप चालू हुआ, तो पहला वाला 6 मंथ क्या है, जैन टू जून, पहला वाला 6 मंथ क्या है, जैन टू जून, सबको पता है या पता रहना चाहिए कि जैन टू जून का लेबर कब तय होता है, जैन में, जैन टू जून का जैन में तय होता है, जुलाई टू दिसंबर का जुलाई में, फिर जैन टू जून का जैन में, एंड सो ऑन, दिस कैन नॉट बी मिस्टेक, ठीक है, हर बार बात किया हुआ है कि फ्लोटिंग रेट हमेशा पीरियड के बिगिनिंग में डिसाइड होते हैं, 1 जैन को मैं शेयर कर रहा हूं तुमसे, 1 जैन को कौन सा लैंग्वेज करेक्ट है मेरा बताना, 1 जैन को जिस दिन खड़े हैं 6 मंथ लेबर इज एक्सपेक्टेड टू बी 9% या 6 मंथ लेबर इज 9% इज 9% एक्सपेक्टेड टू का बात नहीं, आज तो खड़े ही है, 1 जैन को जो 6 मंथ लेबर है, सुनना प्लीज, वो 7% है, कितना है, 7, एक्स के लिए बढ़िया या खराब, खराब अगर तो बोर्ड पर दिख रहे हैं, ठीक है, तो एक्स के लिए खराब है, 7-8, कितना एक्स लूज किया, 1%, 1% ऑफ 500 इंटू हाफ, 1% ऑफ 500 इंटू हाफ, 2.5 मिलियन, 2.5 मिलियन कौन किसको देगा, एक्स बैंक को देगा, कब, जैन में कि जून में, जून में, और ये एफआरए होता तो हम लोग बोलते सर 2.5 का प्रेजेंट वैल्यू जैन में देगा, एफआरए होता तो हम लोग बोलते 2.5 का प्रेजेंट वैल्यू जैन में देगा, यहाँ पे स्वैप में प्रेजेंट वैल्यू सेटल नहीं होता, सीधा अमाउंट सेटल होता है कहाँ पे, जून में, तो 2.5 मिलियन एक्स बैंक को देगा कब, जून में, और ये पता कब चल गया, जैन में, खत्म 6 महीना आया, 1 जुलाई, 1 जुलाई को लेबर वॉज 10%, 6 मंथ लेबर वॉज 10%, कौन जीता, एक्स, कितना, 2%, 2% 500 इंटू हाफ, 5 मिलियन, कौन किसको देगा, बैंक एक्स को देगा, कब, एंड दिसंबर, पता कब चला, 1 जुलाई, ठीक है, तो 1 जुलाई को 10% था, एक्स बेट जीता, 2% जीता, 500 पे इंटू हाफ, 5 मिलियन एक्स पाएगा दिसंबर के एंड में, पर पता चल गया कब, 1 जुलाई में, फिर से इस तरह का क्वेश्चन मन में नहीं आना चाहिए कि सर एफआरए में क्यों पीवी पे सेटल होता है और फाइनेंशियल स्वैप में क्यों एफवी पे होता है, सब इंस्ट्रूमेंट्स का रूल्स तो है ना कुछ, एफआरए का रूल लेटर सेटल्ड ऑन मैच्योरिटी, फाइनेंशियल स्वैप का रूल लेटर सेटल्ड लेटर, ठीक है, तो थिंग्स व्हाटएवर रन इन द वर्ल्ड दे रन अकॉर्डिंग टू सम रूल्स और रेगुलेशन, ठीक है, तो फाइनेंशियल स्वैप का सेटलमेंट पीवी पे नहीं होता है, लेटर ही होता है, और एफआरए का सेटलमेंट पीवी पे होता था, ऐसा ही है, ठीक है, तो ऐसे करके 6-6 महीने में चलते जाएगा, तो इसका मतलब ये जो ब्याज और ये जो ब्याज है ये अलग अलग सेटल हो रहा है कि नेट कर रहे हैं, नेट कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी समझो, प्लेन वनीला या जेनरिक स्वैप का प्रॉपर्टीज क्या है, उसमें दो लेग्स है, दो लेग्स है, वन लेग इज फ्लोटिंग, द अदर लेग इज फिक्स्ड, वन लेग इज फ्लोटिंग, द अदर लेग इज फिक्स्ड, द करेंसी इज सेम, से 500 मिलियन डॉलर्स या 500 मिलियन पाउंड, सिंगल करेंसी, ओके, सिंगल करेंसी 500 मिलियन डॉलर्स, एंड देयर इज नेटिंग फीचर, व्हाट फीचर, नेटिंग फीचर, एंड द प्रिंसिपल अमाउंट 500 इज एक्चुअल और नोशनल, नोशनल, तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और द फीचर्स ऑफ अ प्लेन वनीला और जेनरिक स्वैप, ओके, लिखना प्लीज, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं वहां तुम लोग से, वहां पे वो एक्सप्रेशन चलेगा नहीं, ठीक है, तुम खास कर देखो, दिस डायग्राम शोन अबव, दिस डायग्राम शोन अबव, दिस डायग्राम शोन अबव इज दैट ऑफ अ, दिस डायग्राम शोन अबव इज दैट ऑफ अ प्लेन वेनीला, इज दैट ऑफ अ प्लेन वेनीला और जेनरिक, प्लेन वनीला और जेनरिक, जीई एन ई आर आई सी, जेनरिक फाइनेंशियल स्वैप, जेनरिक फाइनेंशियल स्वैप, फुल स्टॉप, इन दिस टाइप ऑफ स्वैप कॉमा, वन लेग इज फ्लोटिंग, ब्रैकेट में 6 मंथ लेबर, 6 मंथ लेबर, ब्रैकेट क्लोज, एंड द अदर लेग इज फिक्स्ड, ब्रैकेट 8%, अदर लेग इज फिक्स्ड, ब्रैकेट 8%, फुल स्टॉप, द प्रिंसिपल अमाउंट
द प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज डॉलर्स 500 मिलियन इज नोशनल, $500 million इज नोशनल एंड देर इज नेटिंग फीचर एंड देर इज नेटिंग फीचर एंड देर इज नेटिंग फीचर नेटिंग फीचर फुल स्टॉप पैरा चेंज ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डिस्कशन ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डिस्कशन कॉमा फाइनेंशियल स्वैप कैन बी डिफाइंड इन टू वेज financial swap can be defined in two ways dash next line first bullet it is an exchange of a stream of cash flows second bullet It is a portfolio of forward contracts. Parachange. Informally, a financial swap is an over-the-counter derivative. Over-the-counter derivative which involves multiple times betting on interest rate or currency or commodity etc. तो ये हुआ है फाइनेंशियल स्वैप का मीनिंग इंट्रोडक्शन ठीक है तो ओके टेक अ ब्रेक.